लोग कहाँ गया? अबे कहाँ राहुल? उधर उधर। अबे वो लोग खो गया है राहुल, भाई भाई वो लोग खो गया है। तो यार मैं अभी अपने नए वाले घर के छत पे हूँ और हम आज रात में जाने वाले हैं वो वाले माउंटेन पे, जो यहाँ से देखो जो सनसेट होता है ना बहुत सुंदर दिखता है। और आज रात में हमारा ग्रुप है 2-3 का, वो लोग सारे वहाँ चढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी मज़े आएंगे। मैं ऊपर का लोकेशन दिखाऊंगा, ऊपर में क्या होता है वो दिखाऊंगा, और काफ़ी खूबसूरत जगह है, रामायण से जुड़ी हुई स्टोरी है इसकी, तो यार देखते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज अविनाश जायसवाल बैक अगेन विथ माई न्यू ब्लॉग। ब्लॉग को लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाले इसमें। तो ये है विशाल, वो हमारा मामा, मामा पांडू मामा। और हम लोग अभी आधे रास्ते में है, अभी चढ़ना शुरू किया है अपने, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ऊपर में सारे विधि व्यवस्था पूरे पूर्ण तरह से रहते हैं, सोने की अच्छी व्यवस्था है, कीर्तन वगैरह चलते हैं, काफ़ी मज़ा आता है ऊपर में, और पूरे दिन रात यहाँ भंडारा चलते रहता है। और भी लोग आ रहे हैं, ये भी जा रहा है, ये लोग सब जा रहे हैं अभी ऊपर, सब आश्रम में रहेंगे अभी। और पीछे की आप सीन देखो बस, वो तेरी आराम से, वो जो सीन है वो हमारा पालकोट है, जो कि दिन में तो खूबसूरत लगता ही है, रात में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब ये देखो ये जो सीन है, अभी हम लोग आधी चढ़ाई कर चुके हैं और अभी आधा सफ़र हमारा बाकी है। सभी हैं हमारे साथ, काफ़ी मस्ती कर रहे हैं सब। तो यार हम लोग पहुंच गए अभी ऊपर, काफ़ी रात हो गई तो सारे लोग सो गए हैं, तो अभी उधर जाके मतलब हल्ला करना या वीडियो बनाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सब खा पी के सोए हुए, सुबह से थके हुए रहते हैं। तो अभी पहुंच तो गए हैं लेकिन अभी कुछ नहीं जाते हैं, उधर कुछ प्रसाद वगैरह मिलेगा वो खाएंगे, एंड यहाँ पीछे साइड में बहुत अच्छा व्यू आता है, अभी तो नहीं दिखेगा आप लोगों को, सुबह में दिखाऊंगा, बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ पे। अभी रात में हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे सारे मिलके, यहाँ के भी है तो वो लोग हेल्पर हैं, वो लोग सारे काम वाम करते हैं यहाँ पर, तो वो लोग भी देखते हैं, वो लोग के साथ में ही बैठेंगे, बहुत मज़े आते हैं हमें। देखो आप पीछे का भी व्यू, कितनी मेहनत की इन्होंने। पे मंदिर है, आए हैं तो सबसे पहले वहीं पे दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ आना सबसे पहले यहीं पे आना पड़ता है, यही है यहाँ के कर्ता धर्ता, हमारे पंपापुर के, हमारे पालकोट के, तो हम सबसे पहले इन्हीं के पास जाते हैं, चलते हैं इधर। स्वर्ग का मजा जो है ना यहीं पे, समझा भाई, तुम लोग भी यहाँ बैठो महफिल में, और कोई कोई आए इस ठंडे हवा में। तो हम लोग कितने बजे तक बैठेंगे, हम लोग कितने बजे तक इस सुनहरी चांदनी रात का मजा लेने वाले हैं? और इस जो हवा आ रहा है ना, जो हवा हवा यहाँ का जो चल रहा है ना, शुद्ध हवा जो पर्यावरण से, उसका अलग ही मजा है एकदम भैया, बता नहीं सकते, बता ही नहीं सकते हैं हमको, जीवन यहाँ का घर उर में मिल जा रहा है तो जीवन बिता रहे हैं हम यहाँ। पूरा पीछे जो है वो पहाड़ है, पूरा माउंटेन,
पहुंचने में। इस जगह के बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। यहाँ पे लोग नहाने आते हैं, पहले तो यहाँ पे शुद्धि होते हैं, उसके बाद यहाँ पे दर्शन करते हैं मंदिर में। अच्छा, मतलब ये काफी पवित्र स्थल है। वहाँ पे जो कुआं दिख रहा है वहीं पे नहाते हैं क्या? पानी कम नहीं होता है, पहाड़ के ऊपर एकदम है, ठीक है। और ये तालाब है, तालाब है, कुआं है, बाकी आप लोग को आगे बताएंगे। मतलब यहाँ स्नान करके ही मंदिर में जाते हैं एकदम, यहाँ का पानी। चलो हम लोग भी चलते हैं, स्नान कर लेते हैं हम लोग। हाँ चलिए ठीक है। Thank you.
ये वो जगह है जहाँ हम आना चाहते थे, मतलब कि मैं बताता हूँ आपको, पीछे देखना आप, ये है यहाँ का सनसेट पॉइंट। और अभी देखो क्या खूबसूरत लग रहा है, क्या ही खूबसूरत है ये। मतलब यहाँ पे क्या है ना, इधर से अपन लोग जिधर से आए अभी, उधर से ये ऋषिमुख पर्वत है, इसे ऋषिमुख पर्वत बोला जाता है। यहाँ से श्री राम भगवान और उनकी सेना सुग्रीव सभी यहाँ पे आके ये यहाँ पे स्टे किए, मतलब यहाँ पे रहे थे वो लोग। और ये रास्ता है जाने का, और देखो आप क्या खूबसूरत सीन है ये देखो। मतलब यहाँ से राम भगवान जी वो बाली का वध करके नीचे वाले गुफा से नीचे एकदम वहाँ से सीधे चले गए थे, मतलब वो अयोध्या से होते हुए यहाँ से होकर ही गए थे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसे हम लोग सनसेट पॉइंट बोलते हैं। यहाँ बहुत कोई नहीं आ पाते क्योंकि काफ़ी घनी जंगल से होके आना पड़ता है हमें। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको एक जगह में, और ज़्यादा ज़ोर से बोलना नहीं है, ये जो गुफा है अक्सर यहाँ पे भालू रहा करते हैं, लेकिन अभी गर्मी है तो यहाँ पे है नहीं। और ये देखिए पूरा जो माहौल है डरावना सा है, काफ़ी डरावना सीन है। तो यहाँ बोलते हैं लोग कि यहाँ भालू रहते हैं। अभी चलते हैं, अपन को दिख जाएंगे तो अच्छी है किस्मत। ये घनी जंगल है, बहुत दिक्कत है। हम लोग जा रहे हैं वहाँ जहाँ पे एक गुफा है। हाँ, ये पूरा नेशनलाइट एरिया पड़ता है, और अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे एक गुफा है, उसके अंदर एक केला का पेड़ है, वहाँ मीठा पानी का स्रोत है। और लोग बोलते हैं वहाँ बहुत सारे भालू रहते हैं, तो ये एरिया ही पूरा भालू से भरा है, तो हमें संभल के जाना पड़ेगा। वो लोग पीछे रह गया, आ जाओ। काफ़ी देर से चल रहे हैं लेकिन पता नहीं मंजिल कब आएगी। मैं तो यहाँ का मेरा गांव है ये, लेकिन पहली बार यहाँ आ रहा हूँ। और ये सीन वगैरह देखो आप, बहुत डेंजर है, अकेले आने की तो हिम्मत ही नहीं है भाई। और वेट करते लोग कहाँ गया, अबे कहाँ राहुल, उधर उधर, अबे वो लोग खो गया है, राहुल भाई भाई वो लोग खो गया है। इतने टाइम क्या हुआ ना कि आ रहे थे हम लोग, तो वहां पे मैं डर गया कि तीन लोग अलग हो गए थे, तो वो लोग पता नहीं इधर से क्रॉस करके आगे से आए, तो हम में से कोई भी रास्ता देखा नहीं है। और आए भी थे जो दो चार, वो बहुत दिन के बाद मतलब आए हैं, तो सब भूल गए थे रास्ता। तो अभी जाके ये सब मिले, काफ़ी ठंडक है और हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो वहाँ मैं दिखाता हूँ क्या खास है क्या नहीं है। काफ़ी मेहनत से हम लोग पहुँच पाए यहाँ। और यहाँ पानी मिल चुका है, बोलते हैं यहाँ पे भालू वगैरह रहते हैं, लेकिन अभी तक तो हमें मिले नहीं, देख रहे हो। और यहाँ पे है पानी, तो पानी हमने पी लिया है, और अभी चलते हैं। और ये स्पोर्ट से हम लोग दूसरे जगह जाएंगे, पहले पानी पी लेते हैं यार, बहुत प्यास लगी है। यहाँ से दूसरे जगह जाएंगे, और भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्लेस है यहाँ पे। यहाँ से पहले निकलते हैं पानी वगैरह पी के, क्योंकि शाम हो गया है, ठीक है।
तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, तो मेन चीज रह गया मेरे फ्रेंड का इंट्रोडक्शन। तो ये है ऋतिक, श्याम सुंदर, हमारे विशाल जी, बिट्टू हमारा बेटा, वहाँ सचिन, राहुल और एक बेटा है हमारा, कहाँ गया, सुगी, अविनाश द सुगी बॉय। तो ये जो जगह है यहाँ पे बोला जाता है कि श्री राम यहाँ पे रहे थे। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इस जगह का। हाँ, बालू सुग्रीव बाली तो नीचे मर गया था भाई। तो देखो यहाँ पे डेट देखो, ढूंढता हूँ मैं, 27/6/1919, ठीक है। तो ये अभी कोई नहीं लिखा है, ये उसी टाइम पे कोई लिखा था, मे भी हो सकता है ऐसा। और ये देखो आप, ये डरा देने वाला सीन है। तो भाई वीडियो तो हमने पूरा बना लिया, तो अब वीडियो का क्या करना है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, बताएं ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करें, भरपूर शेयर करें और अपनी जिंदगी को अपने तरह जिए। रुको, कहाँ जा रहे हो, सनसेट देखकर जाओ यार, जब इतनी देर आए हो वीडियो पे। तो 2 मिनट का इंतजार और ये रहा। अभी मैं हूँ एकदम मेन जगह में जहाँ से सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिखता है, देखना है ये। ये खूबसूरत हमारे पालकोट में है, ये है सुंदरता पालकोट की। और देखो वो भी चमक उठा है, देख रहे हो, समझ रहे हो। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फैला दो, एकदम अपने जीवन को अपनी तरह जीना सीखो। ये है पोटी भालू की, लेकिन भालू तो दिखाई नहीं। कितने देर से बैठे हो? अरे भैया हम लोग 3 घंटे से बैठे हैं, अभी रात भर बिताना है हम लोग। चलते हैं स्नान कर लेते हैं हम लोग को। हाँ चलिए ठीक है, चलो ठीक है।